चलिए अब बात करेंगे खबरों की। अयोध्या में रामलला की छोटी मूर्ति का भ्रमण, मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया है और साथ ही हवन कुंड कुटी में भी विराजित किया गया। रामलला को साक्षी मानकर अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। तो मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया है, हवन कुंड कुटी में विराजित किया गया है कि मूर्तियों को लेकर जो जानकारी मिल रही थी, अयोध्या में रामलला की जो छोटी मूर्ति है उस मूर्ति का भ्रमण कराया गया और मंदिर परिसर में भ्रमण कराया गया है, हवन कुंड कुटी में विराजित भी कर दिया गया है, रामलला को साक्षी मानकर अनुष्ठान शुरू कर दिया गया है। तो 22 जनवरी ज्यादा दूर नहीं और 22 जनवरी की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी सिलसिले में ये छोटी मूर्ति की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। छोटी मूर्ति का भ्रमण कराया गया है और मंदिर परिसर में बकायदा भ्रमण कराया गया है, रामलला को साक्षी मानकर अनुष्ठान शुरू किया गया। तो ये देखिए, ये तस्वीर है हवन कुंड कुटी की तस्वीर है, जहाँ पर हवन कुंड तैयार किया गया है, वहाँ कुटिया जो बनाई गई है उसमें रामलला की जो छोटी प्रतिमा है उसका पहले भ्रमण कराया गया पूरे परिसर में और उसके बाद उसी प्रतिमा को वहाँ पर स्थापित अभी कर दिया गया है। वे ही साक्षी हैं इस पूरे अनुष्ठान के, रामलला की ही प्राण प्रतिष्ठा है और श्री राम ही इसके साक्षी हैं। जो कार्य, जो काज हम कर रहे हैं उसका साक्षी अगर खुद ईश्वर होगा, खुद प्रभु श्री राम है, फिर वो कार्य जो है वो पूर्णता की ओर जरूर होगा। इस भाव से, इस बात को समझकर ये कार्य किया गया और हवन कुंड कुटी में विराजित किया गया रामलला को। अहिल्या की नगरी कहलाने वाले इंदौर में राम मंदिर को लेकर एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर की सबसे मशहूर छप्पन दुकान में भगवान राम की एक तस्वीर स्थापित की गई है और साथ ही दिव्य दरबार भी सजाया गया है। छप्पन दुकान से जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। जय श्री राम। इस वक्त मैं इंदौर के छप्पन बाजार में मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको भगवान श्री राम के दर्शन कराते हैं। इंदौर के छप्पन पर भगवान श्री राम लला के मंदिर की प्रतिकृति बनकर तैयार हुई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आह्वान किया था व्यापारियों से, उसके बाद इंदौर के तमाम अलग अलग जगह पर इस प्रकार की प्रतिकृति बनाई गई है। क्योंकि ये इंदौर का छप्पन बाजार है और छप्पन बाजार एसोसिएशन के द्वारा श्री राम मंदिर का जो मॉडल है वो पूरी तरीके से बिल्कुल हूबहू जैसा अयोध्या मंदिर बन रहा है वैसी प्रतिकृति बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि अंदर जो गर्भगृह है वहाँ पर राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी तस्वीर आपको नजर आ रहे हैं। कितनी सुंदर प्रतिमा है भगवान श्री राम की, माता सीता की, लक्ष्मण की और हनुमान जी की, और लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, एक तस्वीर ले रहे हैं और यही जो नज़ारा है ये पूरे इंदौर से नज़र आ रहा है। इंदौर में राम उत्सव शुरू हो चुका है और अहिल्या नगरी जो इंदौर है पूरी तरीके से अयोध्या में नज़र आ रही है। तो ये खूबसूरत तस्वीर है इंदौर के छप्पन की और ऐसी ही कुछ खास तस्वीर हम भगवान राम और उनके आदर्शों की हम आपको इंदौर से दिखाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मितेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। दमोह में कांग्रेस को एक और झटका लगा है, राम मंदिर पर घिरी कांग्रेस इस्तीफे लगातार क्योंकि जारी है। ऐसे में जिला पंचायत उपाध्यक्ष का भी इस्तीफा आ गया है। डॉक्टर मंजू धर्मेंद्र कटारे का सभी पदों से इस्तीफा हो गया है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र कटारे ने भी इस्तीफा दे दिया है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता कांग्रेस पार्टी ने जो ठुकराया है या छोड़ा है इसको लेकर अब पार्टी छोड़ने का क्रम चल पड़ा है और लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खबर आ रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जो हैं वो पार्टी में अब नहीं रहना चाहते और उन्होंने खास तौर पर इसी बात को इंगित करते हुए पार्टी छोड़ी है कि जो राम का विरोध कर रहा है हम उस दल में काम नहीं कर पाएंगे। वजह नहीं, जो अपन सनातन धर्म के लोग हैं और उसी में पार्टी नहीं जा रही है तो ऐसी पार्टी में रहकर रहने से क्या काम। कौन कौन है? मेरे साथ मेरी पत्नी जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जनपद के अध्यक्ष राम रानी मंगल कुशवाहा और जनपद की उपाध्यक्ष भगवान राम के मंदिर निमंत्रण को अस्वीकार किया, इसी कारण से मैं
कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ। क्या चाह रहे थे आप? मैं चाह रहा था कि कांग्रेस भगवान के जो मंदिर बन रहा है उसमें कांग्रेस शामिल होती, और ये कोई एक पार्टी का कार्यक्रम तो है नहीं, ये तो भगवान राम के मंदिर का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो कितने कई वर्षों से हो आज हो पाया है, तो इसमें पार्टी को पूर्ण रूप से सम्मिलित होना।